हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी, और आज जर्नलिस्ट अड्डा में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, सुधांशु कुमार जी, जो कि हिंदुस्तान अखबार में एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम करते हैं। इन दिनों वो काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्यों छाए हुए हैं ये हम आपको बताएंगे, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और आपको वो देखने के बाद आपके होश भी उड़ गए होंगे। जी हाँ, अभी अगर कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो लखनऊ में तेंदुआ है ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी। हर एक टीवी चैनल, हर एक अखबार इसे कवर कर रहा था, और एक फोटो जो वायरल हुई थी उसमें ये था कि किस तरह से एक फोटोग्राफर तेंदुए से लड़ता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा था, और वो बचाने की कोशिश भी, उसे कैद करने की कोशिश भी कर रहा था, और साथ ही साथ फोटो भी क्लिक कर रहा था। यानी अपना जो काम है वो भी कर रहे थे, और साथ ही साथ जो जो वन विभाग का काम होता है वो भी कर रहे थे। और वही है सुधांशु कुमार जी, आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जर्नलिस्ट अड्डा में। और सबसे और एक और बात, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपने इतने बड़े खतरा मोल लिया, और ऐसे वक्त में, मतलब जब बड़े बड़े सब चीजें छोड़कर भाग जाते हैं, उस वक्त पर आप डटे रहे और पूरी पूरी शिद्दत के साथ आप वहां पर दिखाई दे रहे थे कि मतलब कौन सा एंगल, कौन सा शॉट आपको चाहिए, वो मतलब बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। मैं खुद उस फोटो के बाद से आपकी फैन हो गई है। मैं अब चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप फिलहाल क्या करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, और आपको कितना एक्सपीरियंस है, अपने बारे में बताएं कुछ। मैं यहाँ पे लखनऊ में हिंदुस्तान पेपर में काम करता हूँ, हिंदुस्तान न्यूज पेपर, यहाँ पे चीफ जर्नलिस्ट हूँ मैं। बाकी अब क्या है, बलिया का रहने वाला हूँ मैं, पूर्वांचल का बलिया का रहने वाला हूँ, और 10-12 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 10-12 साल आपको हो गए फिलहाल, तो सुधांशु जी को एक लंबा एक्सपीरियंस है। सुधांशु जी, जब वो वीडियो हमने देखा, बहुत सारा वो मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खबर तेंदुए की थी, लेकिन जैसे ही ये बात उसके साथ में जुड़ती है कि एक फोटोग्राफर पर हमला हुआ है, हर एक न्यूज चैनल में, मैं भी एंकर हूँ, मैंने भी ये खबर पढ़ी कि एक फोटोग्राफर पर हमला हुआ, लेकिन जिस तरह से सबसे पहली नजर में जब वो फोटो देखने के बाद लोगों के मन में आया, और कुछ बड़े बड़े लोगों ने जब उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, कुछ अखबारों के संपादकों ने तक डाला, तो लोगों ने उसमें आपकी कर तारीफ तो की ही की, साथ ही साथ आपको ट्रोल भी करना शुरू कर दिया, है ना? मैंने देखा उसमें बहुत सारे लोगों ने आपको ट्रोल भी किया, तो मुझे समझ नहीं आता वो लोग कहाँ से सोच कर आते हैं, क्या सोच कर आते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि इतनी हिम्मत आपके पास आई कैसे, आप उस वक्त वहां पर कर क्या रहे थे? एक्चुअली ये होता है ना कि कवरेज करने का एक होता है, और क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस का दिन था, और पेपर बंद था, उसके पेपर की छुट्टी थी, लखनऊ में क्रिसमस के दिन पेपर बंद होते हैं, लेकिन हम लोग एक एक टीम बनाते हैं, QRT बोलते हैं उसको, क्विक रिस्पांस के लिए, कि कोई खबर हो तो भाई होना चाहिए, अगले दिन जब पेपर खुलेगा तो उसमें होनी चाहिए कवरेज, तो उसके लिए QRT बनी थी, और उसमें उस दिन मेरी ही खुद की ड्यूटी थी फोटो के लिए, फोटो करने या फोटो क्लिक करने पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि हमने तस्वीरों में जो वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है अभी फिलहाल भी सोशल मीडिया पर, उसमें आप बहुत ज्यादा नजदीक चले गए, और अगर उस वीडियो को ध्यान से देखें तो वहां और कोई फोटोग्राफर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब आपके मन में ये नहीं आया कि ये मुझ पर हमला कर सकता है, क्योंकि एक जानलेवा जानवर है वो, और कुछ भी हो सकता था, वाकई में कुछ भी हो सकता था, वो तो खुदा ना खासा कोई गलती नहीं हुई। लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी थी मैंने देखी, आपने हेलमेट पहन रखा था, और साथ ही साथ कैमरा था आपके पास, और आप जाल को भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो मतलब आप वहां पर क्या, आप सिर्फ फोटो लेने, मतलब उस वक्त आपका जो माइंड का माइंडसेट होता है ना, वो क्या था, आपका सिर्फ फोटो लेना पूरी तरह से फोकस था, या फिर आपको ये भी देखना था मुझ पर हमला ना कर दे, और ये भी आप सोच रहे थे कि किसी तरह से इसको पकड़ ले, हम जाल में कर ले, क्योंकि काफी लंबे समय से वो पकड़ में भी नहीं आ रहा था? चीजें देखिए, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हो तो एक तो प्रिपेयर होके पहुंचते हो, ऐसी जब सिचुएशन होती है तेंदुए वगैरह वाली होती है, तो रात रात भर, दिन दिन भर चलता है उसमें रेस्क्यू, कोई ऐसा हाँ। नहीं है कि हम जाएंगे और वो पकड़ कर उसको डब्बे में रख देंगे और चले जाएंगे लेकर, तो पूरा प्रिपेयर होकर के 8:30 बजे मेरे पास खबर आ गई थी कन्फर्म की, मतलब यहाँ है, तो दिन भर की कवरेज थी, क्रिसमस था, वो सब फाइल वाइल करके और पूरी तैयारी करके, बिस्किट पानी है, कि अब रात भर का हो गया, मतलब एक होता है ना कि रहता है कि यार तैयारी कर लो, अब कितना टाइम लगेगा है? और छुट्टी का दिन था तो रिलीव करने कोई आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होकर के मैं पहुंचा था वहां। पहुंचा तो मेरे एक साथी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरे लोग काम करते हैं सूरज, तो वो बंदा भी होता एक्साइटमेंट, उसके अंदर भी एक्साइटमेंट था, तो वो भी पहुंचा है, तो मैंने देखा, मैंने चलो यार साथ में रहते हैं, कुछ देर रहेंगे फिर चलेगा ना, मौज मस्ती करते हैं, बैठ के टाइम पास करते हैं तो फिर कोई ऐसा सोच के नहीं जाता है कि हम ना नजदीकी इनकाउंटर करेंगे उसके साथ,
है ना, बिल्कुल चीजें बिल्कुल बदल क्या होती हैं। तो हम लोग वहां 10-10 बजे से लगे हुए थे, समय भी मेरे पीछे लगभग 250-250 लोग उस गली में खड़े थे, और उस जाल पे दो लोगों की इधर ड्यूटी थी, दो लोगों की उधर ड्यूटी थी, दूसरी तरफ में छोर पे है, और 5,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट था, तो उस प्लाट के दोनों तरफ रास्ता था, आगे और पीछे दोनों तरफ जाल लगाए गए थे, पर फॉरेस्ट के अधिकारी खड़े थे और वो लोग उसको मतलब कुछ प्लान कर रहे होते मटरलाइज करने का, जो भी कर रहे थे फर्टिलाइजर गन वगैरह आ चुके। तो फिर होता है ना कि जैसे 12-20-21 पर वन विभाग वालों ने अब ये सोचा होगा कि थोड़ा संख्या कम हो गई है लोगों की और हम लोग कोशिश करें, तो उन्होंने छत से टॉर्च लाइट टाइप की दो टॉर्च बड़े टॉर्च जलाए, तो टॉर्च जला तो उन्होंने देखने की कोशिश करी कि कहाँ है वो, चारों तरफ उसके घर थे, सिर्फ आगे पीछे से वो प्लाट खुला हुआ था, दोनों तरफ रास्ता था। तो मैं जहाँ खड़ा था वो एक छोर था, दूसरा छोर पीछे तरफ दूसरी तरफ था, उधर कोई नहीं था, उधर अधिकारी थे और उधर थोड़ा बड़ा जाल लगा। तो मैं जहाँ खड़ा था वहां एक सामने कुत्ता था घर में, देसी कुत्ता, तो मेरी नजर उसके ऊपर ज्यादा बनी हुई थी, थोड़ा सा एक अनुभव कहेंगे इसको कि अनुभव के आधार पर था कि कुत्ता रिएक्ट पहले करेगा आदमी से। तो कुत्ते ने जो एक्सप्रेशन दिए और जिस तरह से रिएक्ट किया, तो मुझे आभास हो गया कि अब तेंदुए की आहट इसको मिल गई है और वो हरकत कर रहा है, बैठा नहीं है, छुपा नहीं है। तो मैं थोड़ा खड़ा हो गया और मेरे आसपास जो उस गली में 250-250 लोग थे वो सब भरे हुए थे और सब अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, अरे प्रताप जला, अब आएगा आएगा, शोर मच रहा था। और मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस जाली पर था, उस नेट पर था जो उसको घेरने के लिए लगाया गया था। फिर अब तो आप उस वक्त फोटोग्राफर जो होता है वो पिक्चर क्लिक करनी, हाँ हाँ यही मेरा सवाल था, पिक्चर पिक्चर के लिए ही मैं वहां खड़ा था, ये नहीं उम्मीद थी कि इतनी झलक मिलेगी, ये था कि एक झलक मिल जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो मुझे दिखेगा और वो मौका मुझे चूकना नहीं है, है ना, फिर वो कहां जाएगा ये पता नहीं चलेगा अंधेरे में। तो मैं पास में ही खड़ा था और मैंने अपना कम से कम इक्विपमेंट बाहर रखा था, और जो होता है ना कि आप परफेक्ट सोचते हो कि इस जगह के लिए कौन सी किट, कौन सा लेंस, कौन सा कैमरा परफेक्ट है मेरे पास, बिल्कुल लगा करके मैं एकदम मतलब प्रिपेयर होकर खड़ा था कि मुझे बस एक झलक दिख जाए और मैं फोटो कर लूं। तेंदुआ अंदर से 21 पे 12-21 पे रात को वो निकला गुर्राहट के साथ, तो उसकी गुर्राहट की आवाज आई, कुत्ते को देखा मैंने, तो मैं एकदम रेडी और अंदर से तेंदुआ निकला गुर्राहट करते हुए और तेजी से जब बाहर आया, तो होता ना कि वो तो जंगल का प्राणी है, जीव है, तो उसको ये मेरे साथ हो क्या रहा था, खेल क्या हो रहा है, तो वो जाली पर यूं आया और मुझे पहली झलक दिखी, तो बस क्लिक क्लिक क्लिक, तो दो शटर मेरे एग्जैक्ट क्लिक हुए जिसमें तेंदुआ दिखा जाली में। और जब फाइंडर में आप लगाते हो तो आपका कंसंट्रेशन सारा, आपका कंसंट्रेशन सब्जेक्ट पे चला जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप दुनिया से एक तरह से कह सकते हो कट जाते हो, है ना, ध्यान की स्थिति हो जाती है। तो वो नहीं नहीं बिल्कुल फिर दो फ्रेम क्लिक करने के बाद होता नहीं कि आप अब हुआ कि हो गया कुछ आया, फिर आइडल देखा मैंने, शोर बहुत था, यूं पब्लिक गायब, 250 आदमी में एक आदमी एक लड़का ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, उसने शायद वो लोकल था वहां का, थोड़ा वो डेयरिंग था, उसने जाली अपनी पकड़ रखी थी, जो सेकंड एक और नेट लगाया गया था कि अगर वहां से छूटे तो इससे हम लोग ढक देंगे उसको, बन विभाग या बाकी लोग खड़े थे, वो अगर हम इसमें पकड़ लेंगे, पूरी प्लान करते हैं, प्लान धरा रह गया, सब भाग गए, एक लड़का अभी भी उस प्लान के हिसाब से खड़ा था, है ना, कि मुझे जाली पकड़नी, छटपटाने लगा और तेज गुर्राया, क्योंकि भगदड़ वाली हालत होती है तो कोई एक्सटर्नल प्रेस वगैरह नहीं मैंने लगा रखी थी, मैंने इंटरनल प्रेस ही बॉडी में जो मेरा उसी से मैं खींच रहा था, तो जब वो चलती है तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना बार क्लिक करेगी फिर वो रुकती है ना, और अवेलेबल लाइट इतनी नहीं थी कि मतलब एक तेजी से मूव कर रही चीज का बिना फ्लैश से फोटो करा जा सके, संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और इंटरनल फ्लैश के लिए मुझे पास में रहना भी जरूरी था, हैं, क्योंकि उसकी मार बहुत कम होती है, कम दूर तक वो असर करती है, तो रात का हमला था तो मैं थोड़ा पास ही था। फिर वो जब तेंदुआ उसमें छटपटाने लगा और गुर्राया और उसके बाद अब उसने अपने को निकालने की कोशिश करी, तो वो नेट बगल की एक बिल्डिंग के पास फंसाया गया था, और कुछ देर पहले एक आदमी उस घर में स्कूटी से घुसा
और उसने अपना गेट बंद किया तो नेट उस गेट से दब गया, जैसे गेट में दो पाले होते हैं तो नेट लगा हुआ था तो नेट उसमें दब गया था, तो इधर से एकदम क्लोज गेट की तरफ से क्लोज था बिल्कुल, क्योंकि वो गेट में फंसा हुआ था नेट। तो मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ फंसा हुआ इधर से तो नहीं निकलेगा, है ना, तो उस कोने पे खड़ा था, है ना। और ये सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि अब जब वो 250 लोग भाग गए और वो लड़का खड़ा था, तो अब यहाँ तक तो स्लो चल रहा था सब कुछ। अब जो एक लड़का था वो भी चला गया सिंगल पीस में, और मेरा कैमरा और सामने तेंदुआ, बस और कुछ नहीं था। और सब इतना तेजी से हो रहा था कि मतलब बाकी कुछ भी दिमाग में नहीं था, और बस खींचो जो मिल रहा है खींचते रहो। फिर मेरे दिमाग में चीज आई कि ये निकल जाएगा, अब मुझे भी लगने लगा कि ये निकल जाएगा। तो निकलने पर दो कंडीशन थी, या तो मैं भाग जाता, मैं भी भागता, या बाकी जैसे लोग सोच रहे थे कि ये नेट निकलने पर उसके ऊपर फेंका जाएगा, उस तरह से मैं भी सोचता कि नेट फेंका जाएगा, है ना। तो मेरे दिमाग में मतलब ये बहुत तेजी से हो रहा था, इतना स्लो नहीं सोच सकता है आदमी, तो मैंने उस नेट को उठा लिया दूसरे तरफ, है ना, कि ये काम हो सकता है कि अगर वो आए तो इस नेट से उसको फंसाया जा सकता था। और मैं एक हाथ से कैमरा, एसएलआर कैमरे नॉर्मली दो हाथों से हैंडल करते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि अब सब कुछ सेट हो चुका था, बस खींचना ही खींचना था, तो और एक हाथ से मैंने नेट उठा लिया, नेट का एक छोर पकड़ा और उठा के मैं धीरे धीरे, मतलब वहां तो तेजी से हो रहा था लेकिन मैं बढ़ा तेंदुए की तरफ। और मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि अगर ये यहां से छूटता है तो इस नेट में फंसेगा, है ना, तो फंसाया जा सकता है, रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक ही तरीका था कि मैं अकेले उस नेट को नहीं संभाल सकता था और फोटो करते हुए नहीं संभाल सकता, तो मेरे दिमाग में था कि इसको मैं जिस गेट में वो नेट फंसाया गया है, उस गेट का जो हैंडल है, चीजें हैं, उसमें मैं इस नेट को भी फंसा दूं ताकि एक दोहरी लेयर बन जाए, उससे छूटे और इसमें फंस जाए। तो मैं धीरे धीरे उसके तरफ खींचता रहा और बढ़ता रहा, और चूंकि मेरे अंदर एक ये आ गया था कि इधर गेट में फंसा हुआ है तो ये इधर से तो नहीं निकलेगा, नीचे से भले निकल जाए, साइड से नहीं निकल सकता है, तो मैं थोड़ा साइड भी ले रहा था। दूसरा फोटोग्राफर जो होता है वो ये कोशिश करता है कि मैं जहां हूं वहां की स्थितियां, अगल बगल क्या माहौल है वो भी दिख जाए, मेरे फ्रेम में आ जाए। तो तेंदुआ तो क्लिक हो चुका था लेकिन माहौल नहीं था मेरे फ्रेम में, तो मैं उस माहौल को क्लिक करने के लिए थोड़ा साइड इस लिहाज से भी हो रहा था कि वो गली में जो पीछे लोग भाग के दूर खड़े हैं और ये सब चीजें, तो बिल्कुल एक हैबिट के वजह से ये मैं सोच पा रहा था, नहीं तो शायद मैं नहीं सोच पाता, है ना। तो वो मैं तेजी से साइड लिया और गली और तेंदुआ और उसकी गुर्राहट, वो फेस जो जाली से बार बार, ऐसे लग रहा था कि जाली में से उसका मुंह बाहर आ जाएगा, तो वो ले करके मैं, वो फ्रेम मेरे दिमाग में तुरंत आया और मैं उसको क्लिक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता रहा, और जाली भी फंसानी थी, दो टारगेट एक साथ लेके चल रहा था। हाँ एग्जैक्टली, दो टारगेट लेके चल रहा था। तो वो अब अभी मैं नेट फंसाने ही जा रहा था तब तक उसने अपने सारे प्रयास कर लिए और वो नीचे से निकल गया, दूसरी वाली जाली जो पहले से फंसा हुआ था वो बाहर आ गया। हाँ तो निकल गया, बाहर आया वो, और मेरे इस समय तक लगभग 8-9 फ्रेम बने थे। टोटल टाइम जो बीता था वो लगभग 20 सेकंड के आसपास का, 20-21 सेकंड के आसपास का समय बीत चुका था इस टोटल उसके पहली झलक मिलने और मेरे उसके पास तक पहुंच करके जाली फंसाने की कोशिश करते तक। अंतिम जो फ्रेम मेरा हुआ था उसमें अब वो निकलने की हालत में था, तो मेरे हाथ में फंसी हुई जाली आई है और तेंदुआ नहीं है पीछे, वो इतना पास में हो गया है कि तेंदुआ पीछे नहीं दिख रहा, और तब वो जंप कर गया, जंप करा उसने। तो अब होता है ना कि अब एक ही चारा था कि उसके ऊपर अब इसको फेंक ही दिया जाए, तो मैंने वो घुमा के, आपने देखा होगा कि मैं घुमा के उस जाली को उसके ऊपर यूं टर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। तो मैंने उसको टर्न करने की कोशिश करी, इसको इसके ऊपर डालते। दूसरा एक चीज और दिमाग में आ रहा था कि ये जाली मेरे सेफ्टी के भी लिहाज से सही थी, है ना। एक मेरे पास वो कहते हैं कि अपने बचाव का तरीका भी था कि ये फेंकूंगा मैं तो मुझे भागने का टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, कुछ सेकंड मिल सकते, तो या मतलब मैं बच जाऊंगा मुझे काटेगा नहीं, ये सब भी दिमाग में चल रहा था। मैं जाकर के उसके अंदर मैं होता ना कि तेजाब के कुएं में कूद जाओ, तो वो मैंने नहीं करा था, वो पूरी इतना चल रहा।
अच्छा हेलमेट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पहना था, आपने देखा होगा हेलमेट वेलमेट पहन रखा था मैंने, जैकेट थी है। तो हेलमेट तो मैं इसी लिहाज से नहीं उतारा था, क्योंकि हम लोग जैसे लाठीचार्ज में जाते हैं, दंगों में जाते हैं, तो होता है कि सिर नेक गर्दन की हड्डी सिर बचाना चाहिए, और बिल्लियों की फितरत होती है, जो बिल्ली बजाती है, जो भी जीव होते हैं की फितरत होती है कि गले के आसपास सिर पे हमला करते हैं। इस लिहाज से थोड़ा मेरे दिमाग में था कि ये गले वाले पे हमला कर सकता है, तो उस लिहाज से मैंने हेलमेट पहन रखा, और मैं हेलमेट पहन के ही उतना देर जो 2-3 घंटे मैंने टाइम पास किया था, तो हेलमेट उतारा नहीं था, हेलमेट मैं पहने रहा। तो हेलमेट वो कूदा, और कूदा तो एक उसको कह सकते हैं कि मेरी आंखें बंद नहीं हुई, चूंकि मैं कंसंट्रेट था उस अपने सब्जेक्ट पे, और दिमाग चलता रहा है ना। एक होता है ना कि जब आपके साथ कोई चीज तेजी से होती है तो एक अंधेरा हो जाता है, शटर बंद हो जाता है, वो है सब कुछ बंद, आप गिर रहे होते हो फिर दिखता है कि अरे यार ये तो ये हो गया, तो वो नहीं हो पाया। तो सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट किए हुए था मैं, तो इसका असर था, और वो कूदा, कूद गया, और मैंने गाड़ी खींच दी उसके ऊपर, तो उसने दोनों तरफ से पंजे यूं मेरे हाथ के तरफ यूं फैला रखे थे, और उसका दांत जो है वो आके मेरे हेलमेट में लगा रहा, हेलमेट के साइड में जो कैप होती है वहां एक पैड लगा होता है, उस पैड में उसका दांत लग रहा है, और मतलब संभवतः वो चुभा रहा तो दांत ही लग रहा है कि दांत ही होगा। और कंधे पे जगह जैकेट पे वो चूंकि दो दांत आगे तरफ रहते तो वो कुछ लगा, एक तरफ हाथ पे 3 नाखून लगे हैं, वो जैकेट फटी हुई है, वहां पे 3 पास लगे हैं, तो एग्जैक्ट मतलब यही दिख रहा है कि नाखून ही है। दूसरी तरफ 1 नाखून लगा है जैकेट पे, और वहां का पूरा वो बेसिकली अगर आप पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं किए होते तो कहीं ना कहीं बड़ी जो होता तो सब नोच ले जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी आपने पूरी घटना हमें बताई कि किस तरह से वहां पर ये सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें आपने की, आपने कहा कि पूरे टाइम आप हेलमेट लगाए रहे, यानी जो कैमरामैन होते हैं जो भी रिपोर्टर्स होते हैं जाते हैं तो क्या उनके लिए जरूरी होता है? अब मैं आपसे जो भी सवाल करूंगी वो सारे इस लिहाज से करूंगी कि जो हमारे इस फील्ड में आना चाहते हैं बच्चे वो आपसे क्या कुछ सीखें, तो क्या आप लोग इस तरह की तैयारी से ही जाते हैं जब कहीं भी फील्ड पर जाते हैं तो? हमेशा हमेशा कोई हेलमेट तो लगा के रहेगा नहीं, लेकिन जैसे घटना के हिसाब से सिचुएशन क्या है आपको। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, और ये मेरे टीचर हैं एसके यादव जी, वो पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं, फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, भी अपने टाइम के बड़े नामी फोटोग्राफर रहे हैं, अच्छा काम है उनका, और उनके साथ भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो वो मुझे जब लोगों को पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि बेटा एंटिसिपेट करो, पहले से सोचो, प्लान करो ये हो सकता है, और बुरा से बुरा सोचो, है ना, बुरा से बुरा सोचो कि मेरे साथ ये हो सकता, क्योंकि फिर तभी उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। आप सोचते हो तो क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि ये हो सकता है। अभी आपने कहा कि आपने सोच रखा था कि वो इस नेट से नहीं आएगा, और जब आपने देखा कि जो 250 लोग थे वो आपके पीछे के गायब थे, तो क्या आपके मन में एक भी बार नहीं आया कि मैं भी भाग जाऊं? डरने का टाइम नहीं है। फोटो के लिए इतना ज्यादा, इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि इसीलिए हम कहते हैं कि पत्रकारिता में हिम्मत और जुनून सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये भी यहाँ से भाग गए होते हैं फोटो बिना किए हुए, बिना कैमरा अपना लेकर, तो फिर वो फोटोज वो विजुअल्स हमें कभी देखने को नहीं मिल पाते जो हुए। ठीक है, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो देखिए उसमें डरने का टाइम नहीं था, पहली चीज है ना, आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आपके दिमाग में डर आए, है ना, जो मुझे महसूस होता है, इसलिए मुझे डर नहीं लगा शायद, है ना। नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके 12 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है पत्रकारिता में, क्योंकि अगर कोई भी आम व्यक्ति वहां पर खड़ा होता तो मतलब सोचने सोचे और समझे बिना ही वो भाग जाता, मेरा जो मुझे जो लगता है, और यही सच है, आम आदमी भाग जाता। ये सिर्फ पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा काम है जिसमें हमें हर एक चीज से भागना नहीं होता है, हमें वहां पर खड़े रहकर उस स्थिति को देखना होता है, समझना होता है और कैप्चर करना होता है, है ना। मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से आपका जो पत्रकारिता वाला दिमाग था उसने आपको वहां पर रहने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, हम ये कहेंगे। 2007 आपके आसपास से मैं पास आउट हुआ था यूनिवर्सिटी से, सबसे मैं तो अनुभव तो कह सकती है, एक वो होता है कि अनुभव हो जाता है आपको। हाँ हाँ, जब परिस्थितियां होती हैं तो वो इतना तेज बदलती हैं कि वहां पे आपको सारा प्लान रखा रह जाता है, सोचा रखा रह जाता है, आपको वहां अपना दिमाग खुला रखना होता है। वो दिमाग चलता रहा, ये अच्छाई रही, ऊपर वाले का रहम रहा मेरे ऊपर,
आप जब भी देखिएगा लेकिन आपका ये था ना, मतलब क्योंकि फोटोग्राफर्स ये चाहते हैं कि हमेशा मैं बिल्कुल अलग तरह की, एक अलग फ्रेम, एक अलग एंगल और एक्सक्लूसिव फोटो हम निकाले, तो क्या वो वही जुनून था जो आपको इतना नजदीक तक उस तेंदुए के लेकर गया? जुनून होना तो वो तो होता है इस पैसे की, वो बेसिक नीड है कि आपके अंदर वो उसको कहते हैं ना पागल टाइप की चीज, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि पागल है, हैं बेवकूफ है, हैं थोड़ा बेवकूफ थोड़ा पागल होना जरूरी है इस लाइन के लिए, जरूरी है जी। दूसरी चीज की दिन का मामला अलग होता है, दिन में आपको लाइन अलग होती है, वहां परिस्थितियां रात की थी और जिस जगह छुपा था गुप्त अंधेरा था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी, जिस गली में केवल स्ट्रीट लाइट चल रही थी, और फोटोग्राफी के लिहाज से और खास तौर पे तेजी से मूव कर रहे किसी सब्जेक्ट के लिहाज से लाइट बहुत कम, और फ्लैश की भी अपनी लिमिट है, अपनी सीमाएं हैं, जो लोग फोटोग्राफी जानते हैं वो जानते हैं कि फ्लैश की अपनी सीमाएं हैं, वो कहां तक कर सकता है, तो उसकी सीमा का भी ख्याल था मुझे कि वो क्या खींच सकता है, कहां तक जा सकता है। दूसरी चीज ये था कि ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी तेंदुए की फोटो छपी है या किसी जानवर की, इस तरह के हिंसक जीव की फोटो छपी है, तो एक साथ फ्रेम ही बनते हैं, है ना, आपको पोज नहीं देता है कि तो ये था कि मिलेगी एक ही झलक, एक झलक ही मिलेगी है, और वो ही समय होगा, क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर आप रात भर फिर जगेंगे, कुछ नहीं होगा, जैसे जो मेरे साथ बाकी अखबारों के भी लोग पहुंचे थे, 3-4 लोग और थे अलग अलग संस्थानों के, वो सब वही खड़े थे, उन्हीं 250 लोगों में खड़े थे, लेकिन होता है ऐसा, बहुत से ऐसे पत्रकार, पत्रकार क्या मतलब उनको ये होता है कि सिर्फ मुझे ये काम दिया गया है, पत्रकारिता और एक काम में बहुत अंतर है, इसीलिए हम कहते हैं कि पत्रकारिता बाकी के कामों से अलग होती है। अच्छा, अब आप उन, क्योंकि आज के दौर की अगर हम बात करें पत्रकारिता की बात करें, तो अब तो खैर अब तो फिलहाल नए जो बच्चे पत्रकारिता का असली मतलब समझने लगे हैं, इसका स्कोप समझने लगे हैं, लेकिन अब से अगर कुछ सालों पहले तक की मैं बात करूं तो हर व्यक्ति मैंने देखा है रिपोर्टर बनना चाहता था, कैमरामैन या फोटोग्राफर बनने बहुत कम लोग चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब ये जो प्रोफेशनल वर्ड है फोटोग्राफर, ये अब काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और अब लोग इसको, इसकी वैल्यू और इसके काम को समझने लगे हैं। ट्रेंडिंग तो है लेकिन चैलेंज इसमें ज्यादा चैलेंज है। जब हम किसी चौराहे की जगह पर खड़े होते हैं, जैसे मैंने जब फोटो करी तो मेरे विजुअल्स इसलिए मिल पाए कि वहां और भी कैमरे चल रहे थे, हर हाथ में मोबाइल है, और अब तो दो दो तीन तीन मोबाइल लेके चलने लगे हैं, तो हर हाथ में मोबाइल, हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि केवल आप ही खींच रहे हो, सब खींच रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनसे भी फाइट है आपकी, आपकी अन्य संस्थानों से तो जो लोग हैं आपके पैसे के हैं उनसे तो आपकी मतलब एक प्रतिस्पर्धा है ही, पब्लिक भी आपसे प्रतिस्पर्धा करती है, और पब्लिक के बीच से आपको एक्सक्लूसिव निकालना होता है, आपको वो चीज देनी होती है, क्योंकि पब्लिक के पास जब आती है तो वो उसको बांट देते हैं, दे देते हैं, हैं तो वो सबके पास होता है, तो फिर आपने क्या किया, आपसे संस्थान पूछ सकता है, मुझसे नहीं पूछता, वो जानते थे कि वो वहां पे खतरा था, तो लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी थी वो यही थी कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ अलग, कुछ बेहतर, और इसी लालच में मैं उतना पास गया था, और जो भी हुआ पहली बार तक मैं जब तक खींचा, जब वो कूदा तब तक तो ठीक था, है ना, तब तक तो हर आदमी करता, मेरी जगह पे कोई भी बंदा होता और अगर उतना पास होता तो वो खींचता रहता, और हो सकता है कि वो जाल भी डालता या नहीं भी डालता, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक स्वाभाविक सी पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन जो मेन चीज हुई वो ये हुई कि जब वो कूदा और उसने मुझे धक्का दिया, मैं छिटक के गिरा 5-6 फीट दूर, और तेंदुआ भी जो मैंने नेट उसके ऊपर फेंका था तो नेट लंबा था, और चूंकि खांचे बने होते हैं तो उसकी अपनी इलास्टिसिटी थी,
नेट की। हाँ, हाँ, हाँ. वो नेट में फंसा और वो तेजी से आके मुझे यूं नाखून मारे, दांत किया, वो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उसके बाद उस नेट ने अपनी इलास्टिसिटी से उसको अपनी तरफ खींचा। तो तेंदुआ भी आपने देखा होगा विजुअल की, वो 8-10 फीट दूर तेंदुआ भी छिटक गया, है ना? ऐसे हाँ, लगा जैसे हम दोनों लड़े और हाँ, मैं इधर वो इधर दोनों 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 ही गिर रहे, है ना? तो ये चीज भी मेरे फेवर में रही एक तरह से, उसका गिरना मेरे फेवर में रही। मुझे संभलने का टाइम मिला। दूसरा उसका पंजा वगैरह मुझे उस तरह से नहीं लगा, जैकेट वगैरह से लग गया। और वो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा, है ना? हाँ, तो वो भी घबरा गया। और शायद इसी वजह से मैं सेफ बच गया। सीनियर्स को जो सबसे अच्छी बात लगी, पसंद आई, वो ये नहीं आई मैंने फोटो करी, है ना? फोटो करना तो था, मैं गिरा और फिर से उठा और उठने के बाद मैंने फिर से क्लिक करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अब वो किले में है ना? तो एक होता है ना कि अब वो चीजें बदल गई, कि वो जाली में तो जो फोटो थी वो खुले में है, तो ये वाला जो चला था, तो मैंने कोशिश जो करी, सुपर एक्सक्लूसिव कैमरा नहीं चला, कैमरा डैमेज हो गया था, नहीं चला। तो सबको इस चीज ने असर किया कि यार ये पागल है क्या, मतलब गिर गया है और फिर और साथ ही साथ आपके संस्थान को इस चीज ने हिट किया। लेकिन मैं एज अ जनता अगर मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, तो मैं और ज्यादा समझ सकती हूँ इस चीज को। एक और चीज थी, वो ये भी थी कि आप जिस तरह से नेट को पकड़े हुए थे, उसमें ये भी दिखाई दे रहा था कि आप सिर्फ फोटो नहीं कर रहे, बल्कि आप ये भी चाह रहे कि तेंदुआ जल्द से जल्द इस जाल में आ जाए, क्योंकि जनता जो थी वहां की वो बहुत परेशान दिख रही थी, बहुत परेशान थी। सुधांशु जी, अब मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत ही ज्यादा जज्बे का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। जो लोग आपकी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग इन फ्यूचर कैमरामैन बनना चाहते हैं, चाहे वो प्रिंट में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक में हो, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पहले तो थोड़ा सा मैं आपको टोकूंगा कि हम लोग सिर्फ कैमरामैन नहीं है ना, अखबार की दुनिया में। हाँ नहीं नहीं, मतलब इसमें कोई आपकी गलती नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ कैमरामैन नहीं, हम लोग फोटो जर्नलिस्ट हैं या वीडियो जर्नलिस्ट हैं। आपके अंदर अगर थोड़ा भी जर्नलिस्टिक अप्रोच नहीं है, पत्रकारिता नहीं है, कीड़ा नहीं है जर्नलिज्म का, तो आप सब्जेक्ट को नहीं पकड़ सकते हैं, आप सिचुएशन को नहीं पकड़ सकते हैं, है ना? सिर्फ आपको जैसे कि आपको किसी ने ऑर्डर कर दिया, यार वो खींच के ले आओ, आप गए, अच्छा साहब ऐसे खींच दिया, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा और बदल दो, तो यू बदल दो आपको। नहीं नहीं, पत्रकारिता में हाँ हाँ, पत्रकारिता में कैमरामैन तो आप हैं, लेकिन वो आपका एक जॉब है। फोटो क्लिक करना इज अनदर थिंग, बट न्यूज सेंस होना, वो ही आपका पूरा वीडियो में दिखा कि वो जो न्यूज सेंस था, आपका जो इंटेंशन था, आपने फोटो पहले ले ली, आपके पास इतना तेंदुआ आ गया, आपकी जान पर पूरी तरह से खतरा बना हुआ था, स्टिल आपका जो एम था वहां पर ये था कि और ज्यादा एक्सक्लूसिव एक तरीके से, मैं टीवी की भाषा बोल रही हूँ क्योंकि मैं टीवी से बिलोंग करती हूँ थोड़ा सा, कि मतलब और ज्यादा स्पेशल फोटो, क्योंकि नेट के अंदर की एक अलग फोटो होती है और एकदम पास से और एकदम नजदीक से अगर आपने कोई फोटो खींची तो वो एक अलग होगी। वो मेरा कैमरा चला नहीं, नहीं तो शायद वो फोटो नहीं होगी। हाँ, वो फोटो ये होती कि वो दोबारा झपट्टा मार रहा है या दौड़ रहा है, या वो शॉट्स बेहतरीन होते, वो शॉट्स बेहतरीन होते। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो न्यूज सेंस है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग कैमरा सीख रहे हैं ये सोचकर कि हमें जर्नलिज्म में एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम करना है, तो वो इस चीज को ध्यान रखें, जैसा कि सुधांशु जी ने भी बताया कि न्यूज सेंस जो है अपने अंदर वो डेवलप करें। अच्छा सुधांशु जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आजकल जो हमारे जर्नलिस्ट है, अभी सिर्फ फोटोग्राफर्स या फिर फोटो जर्नलिस्ट की हम बात नहीं कर रहे, हम सारे जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। कई बार जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए, आपके भी अखबार में आते होंगे, हमारे टीवी में आते हैं, तो जब हम कभी उन्हें भेजते हैं कि चले जाओ यहाँ पर रिपोर्ट है, यहाँ पे कवर करके ले आओ, एज अ रिपोर्टर भी चले जाओ, तो अगर थोड़ी सी भी वैसी जगह होती ना, तो बच्चे या फिर लड़कियां कहते हैं नहीं सर वहां कैसे जाएंगे, या वो तो ऐसी जगह है रात में कैसे जाएंगे। और आप रात में 12 बजे, मतलब आप इतना प्रिपेयर होकर गए थे कि बिस्किट और पानी की बोतलें लेकर गए थे कि सुबह भी हो सकती है यहाँ पर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाए, अपने माइंडसेट को किस तरह से मजबूत करें कि आपको कभी भी कहीं किसी भी परिस्थिति में खड़े होना पड़ सकता है? मैंने जो कहा था आपसे कि आप एंटीसिपेट करिए, कल्पना करिए, सोचिए और बुरा से बुरा सोचिए। हाँ। कि मैं वहां जा रहा हूँ, खतरनाक जगह हो, तो हर जगह नहीं बुरा सोचना है,
है ना, कोई उल्टी सिचुएशन हो तो आप बुरा से बुरा सोचिए कि ये भी हो सकता है, दंगे वाली जगह हो तो ये भी हो सकता है, कहीं कोई घटना हुई हो तो ये भी हो सकता है, उस हिसाब से प्रिपेयर होइए। और मैं थैंक्स कहूंगा अपने यूनिवर्सिटी टीचर्स को, एस के यादव जी जो थे, वो चूंकि पुराने फोटोजर्नलिस्ट थे तो उनकी ट्रेनिंग ही इस टाइप की थी। हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में और वो आधी रात को, इलाहाबाद में माघ मेला और कुंभ वगैरह लगता है तो आधी रात को भेज देते थे, जाओ जाओ आज स्नान है निकलो। और मैं ही नहीं, मेरे साथ लड़कियां थी, लड़कियां लड़के लोग हैं, आधी रात को हॉस्टल से निकल निकल के और कैमरा ले लेके, और उस तरह के मतलब अभी ट्रेनिंग चल ही रही थी तो उस तरह का अनुभव भी नहीं था। और हम लोग घंटों पैदल रात रात भर चलते थे, कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वो हमें भेजते थे, भेजे और कहे सुनो मेन स्ट्रीम का आदमी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तुम उनसे एक कदम पीछे होके काम करोगे ठीक है, और उनका काम डिस्टर्ब ना करते हुए जो तुम निकाल के ले आओगे वो मैं देखूंगा। इस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने दी एक हमारे दूसरे शिक्षा रही है, वो काफी अहम रही और उसने काफी कुछ आपको सिखाया जी। मेरे गुरुओं का बड़ा इतने हाथ है जो इतना बिल्कुल। नहीं, हम जो भी आगे बनते हैं, हम जो भी आगे बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो हमें जो सिखाया जाता है, जिनसे हम सीख कर आते हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा, वो ये कि सोशल मीडिया पर आपकी जमकर तारीफ भी हो रही है लेकिन जमकर आप ट्रोल भी किए जा रहे हैं, उसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि कैसा व्यक्ति है और अपनी जान के साथ खेल रहा है, अभी कुछ गलत हो जाता तो दूसरों को बोला जाता, वन विभाग को दोषी ठहराया जाता, कुछ भी हो सकता था, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपने कितना बड़ा काम किया, अपनी जान पर कर एक फोटो, आप चाहते तो आप भी उन 250 लोगों में से एक हो सकते थे और तुरंत वहां से चले जाते, लेकिन आप वहां पर डिगे रहे और आपने फोटो की, अपने संस्थान की जिम्मेदारी निभाई, साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर आपने वहां पर उसे पकड़ने की भी पूरी कोशिश की, सबसे बड़ी बात यह है, तो आप उन ट्रोलर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जो उनके लिए भी कह दूं कि आप लोगों ने इतना मेरा प्रोत्साहन किया, और ट्रोलर्स के लिए और ज्यादा थैंक्स, इसलिए थैंक्स कि अगर मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, कुछ 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो अगर वो होती तो सबसे बड़ा ट्रोलर वही होती है ना। मैंने पोस्ट लिखी है फेसबुक पे कि मेरी माँ अगर होती तो मेरे घर का चिमटा बेलन और चप्पलें मेरे ऊपर टूट चुकी होती है ना। और तो माँ अगर इतना बड़ा ट्रोलर हो सकती है कि वो इसके लिए मुझे पीट देती है, तो जो ट्रोलर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरी चिंता कर रहे हैं और वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनको मेरी चिंता है। कुछ लोगों को उस जानवर की भी चिंता है, वो भी बेचारा एक बेजुबान है और वो भी घबराया हुआ था कि मैं कहाँ, ये कहाँ आ गया है ना। तो ट्रोलर्स और प्रशंसक सब मेरे चाहने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गलत होता है। आज मैंने आपका पूरे इंटरव्यू में आपने मुझसे आज 2 बार एक बातें कही, अभी इससे पहले आपने 2 बार मुझसे कहा कि कल्पना कीजिए कि कितना बुरा से बुरा हो सकता है, यानी सुधांशु जी बुरा से बुरा सोचने के लिए भी जाने जाते हैं और कब कहां पर कितना अच्छा सोचना है वो भी जाने जाते हैं। ये आपका बड़ा दिल है कि आप ट्रोलर्स की भी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको भी थैंकफुल है कि कहीं ना कहीं वो भी देखिए होता क्या है ट्रोलर्स, हाँ आपने सही कहा कि उनकी भी चिंता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, है ना। खैर, हमारी भी चिंता थी कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद हम सबकी आंखें चौंधी आ गई थी। वेल, हम यही गुजारिश करते हैं कि आप आगे भी कभी भी ऐसे रेस्क्यू करें, यहाँ पर जाएं कवर करने के लिए, तो अपने आप को सेफ रखें और इसके बाद ही इस तरह से फोटो करें। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए, और हमारे जर्नलिस्ट अड्डा के व्यूवर्स को अपना जो एक्सपीरियंस था, इतना खतरनाक, इतना डेयरिंग एक्सपीरियंस था, वो शेयर करने के लिए। तो जर्नलिस्ट अड्डा में हम एक बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए गॉसिप विद गरिमा के साथ, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। Till then, take care, bye-bye, stay home, stay safe.